जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को कैंडल जलाकर एवं मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को कैंडल जलाकर एवं मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की मदद करने तथा इस बीमारी को दूर करने में काफी डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है, जिन्हें आज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अनुज वाषण ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। आज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो कोरोना बीमारी में जो डॉक्टर हमारे शहीद हो रहे हैं उनके लिए, शहीद डॉक्टरों के लिए आज हम लोगों ने कुर्बानी दी है। और क्योंकि इस वक्त जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बीमारी फैली हुई है और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है बीमारी को दूर करने में, लोगों की मदद करने में, लोगों की जो है हमदर्दी के लिए ये डॉक्टर्स लोग जो हैं हम यानी कि सहायता कर रहे हैं। और उसी को लेकर कोरोना बीमारी की वजह से डॉक्टर लोग जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि हमने अर्पित की है। हमारे चंदौसी के दो डॉक्टर जो हैं, एक गुप्ता जी और एक ये जावेद साहब जो हैं, इनका ये इसमें कोरोना बीमारी की वजह से ये है शहीद हो गए हैं। आज उन लोगों को भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हमने अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर हैं शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि दी है। और सरकार से आज हमारी केंद्र सरकार से राज्य सरकार से एक मांग और है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए शहीद का दर्जा दिया जाए, ये हमारे व्यापार मंडल की मांग है। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा।